नमस्कार, एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं एप्टीट्यूड से। इफ मैंगो इज कोडेड एज दिस देन डेंजर को कैसे कोड करेंगे? तो ये क्रिप्टोग्राफी का नहीं बल्कि एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम है। तो कैसे देखते हैं, देखो लेटर्स के करस्पॉन्डिंग नंबर्स गिवन है, तो आपको पता है कि वो जो हम लिखते हैं जहाँ पे ए को वन देते हैं तो उसमें कुछ बेसिक याद होना चाहिए। जैसे ए को हम वन बोलते हैं, एम को 13 बोलते हैं, एन को 14, देन आर इज 18, टी इज 20 एंड वाई जेड का तो आपको पता ही है, वाई 25 है, जेड 26 है। ठीक है, तो इसके अलावा आप एच याद रख सकते हैं कि एच का आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि एच का 8 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो मैंगो का अगर कोई पूछे तो मैंगो का हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंगो है, एम के करस्पॉन्डिंग 13 होना चाहिए, ए के करस्पॉन्डिंग 1, एन के करस्पॉन्डिंग 14 और जी क्योंकि एच से पहले आता है तो 7, एम एन ओ तो ये 15 होगा। लेकिन लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास 19, 7, 20, 13 और 21। That means, सब में 6 का इंक्रीमेंट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डेंजर का लिख लेते हैं, उसमें सब में 6 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो डेंजर का वैसे क्या होता, डेंजर का डी है तो 4 होगा, ए है तो 1 होगा, एन है तो 14 होगा, एच से पहले आता है तो एच का 8 होता है तो इसका 7 होगा, ई का 5 होता है आपको पता है, आर आप ऐसे याद रख सकते हैं जो वोटिंग राइट टू वोट होता है वो हमारे पास 18 होता है तो इस हिसाब से 18। तो हमें जो आउटपुट देना है मतलब जो इसका कोड होगा उसमें 6 बढ़ा के देना होगा, दैट मीन्स 10, 7, 20, 13, 11 और 24। तो ये हो जाएगा, कुछ खास था नहीं प्रॉब्लम। इसके जरिए ये सब याद रखना है, ठीक है, ये क्योंकि टाइम नहीं रहता है उतना, हालांकि आपसे क्वेश्चन बाकी ना हो तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा, लेकिन वैसे अगर इसको याद रख ले तो सही रहेगा।